अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने दो दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहाँ लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है, मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले दो दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो आज जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं, ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें। गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करना करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया।
17 दिन मजबूर करके स्थगित किया और आज अध्यक्ष सभापति महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था इसका जवाब ये दें। और केवल सन 1993 में नहीं लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला जातीय हिंसा चली तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है तो क्या है मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा लेकिन जो इनकी अवसरवादी सोच है उसका पर्दाफाश पूरे देश के जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये जो समूह है I.N.D.I.A. इस समूह में एक प्रोफेसर है जो मोरालिटी की बात करते हैं सिद्धांतों की बात करते हैं मूल्यों की बात करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की है। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है ये इनका असली चरित्र है। मुझे लगता है आप बहाना ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता ने आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया उसका उत्तर सुनिए आप। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना उसके बाद वॉकआउट करना ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो बिल्कुल गलत बात है। ये आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात कृपा करके नोट करिए आप लोग प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। सभापति महोदय देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो धैर्य रखो और सुन लो। इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A. घमंडिया समूह उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PIL लगवाया और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे TMC के साथी यहां बैठे हुए थे जिस TMC के बारे में अधीरदा रोज इस सदन में लपक लपक कर भ्रष्टाचार की बात करते थे चिटफंड की बात करते थे अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कत्लों की बात कर रहे थे
आज वही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी बदल हाथ में हाथ उस टीएमसी के साथ मिला रहे हैं सभापति महोदय। तो ये इनकी असलियत है। और जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर इन लोगों को अपने गठबंधन में एक दूसरे के विरोधी होकर भी सत्ता के लालच के साथ पूरे तरीके से कुनबे की तरह साथ में आ रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी पर जो रोजगार का आरोप लगाया था, जमीन पर रोजगार का एक्ट का आरोप लगाया था, वो जेडीयू के वर्तमान के अध्यक्ष ने स्वयं सीबीआई को सबूत अपने हाथों से दिलवाया था और आज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाए उसका उत्तर देश की जनता को दें। आज सभापति महोदय विचित्र स्थिति है, आ गए ये नाटक कर रहे थे, आ गए आ गए, क्या नाटक करते हो? आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया ड्रामा कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं, और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटे तो मैं पूछना चाहता हूं सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे, और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था तब ये मौन क्यों थे, मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे, और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था तब ये मौन क्यों थे। और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय न्यू विडोज व हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन व क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज व फॉलिंग, और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख ले। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की, जिस आसाम अकॉर्ड की बात की उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली एक साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव, नो नो, अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए,
बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपने फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की काबियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की काबियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगावादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड टू परचेस वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्सन्स टू फाइट द इंसर्जेंट्स। प्लीज ये सुनिएगा, प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया, इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं, हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं, जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो, ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जो